दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, अ बसलिंग मेट्रोपोलिस जिसके हर हर कोने में एक अलग सी कहानी दफन है। एंड इन द हार्ट ऑफ अ सिटी दैट हैज विथस्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम एंड डिस्ट्रक्शन लाइज द मिस्टीरियस मालचा महल। एक ऐसा महल जिसे कोई हॉन्टेड कहता है, कोई कर्स्ड कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन इसी महल के अंदर ऑलमोस्ट 30 साल तक एक फैमिली रहती थी जिसके नाम के अलावा किसी को भी कुछ नहीं पता। आज उसी फैमिली को डिस्कस करेंगे इन द फर्स्ट एपिसोड ऑफ माय न्यू शो इंडियाज क्रेजी स्टोरीज। मई 2023 दिल्ली में एक नई हॉन्टेड वॉक का इनॉग्रेशन हुआ। रात के अंधेरे में एक ऐसी वॉक जहां पर आप एकदम दहल जाएंगे, सहम जाएंगे। मीनवाइल दिल्ली गर्ल्स वर लाइक, यू गाइस आर पेइंग फॉर दिस, मतलब तुम लोग इसके लिए स्पेशली वॉक करते हो, हमारे लिए तो रोज की बात है गाइस। बट स्ट्रेंजली एक ही साल बाद इस वॉक को कॉल ऑफ कर दिया गया। ये वॉक प्लान थी दिल्ली के मिस्टीरियस मालचा महल में, दिल्ली के बीचों बीच एक ऐसा महल जहां टूरिस्ट तो छोड़ो छपड़ी भी टिकटॉक बनाने ना जाए। एक्चुअली महल तुगलक एरा में एक हंटिंग लॉज हुआ करता था। यहां पर लोग आते थे, कैंप बनाते थे, फिर हंटिंग के लिए जंगल में निकलते थे। बट एनीवे दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि इस खंडर में बिना बिजली पानी जैसी बेसिक सुविधाओं के साथ एक फैमिली ने अपने 30 साल गुजार दिए और मिस्टीरियसली वो फैमिली वहां से गायब भी हो गई। इस कहानी को समझने के लिए कहानी को थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। 1970s में दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर एक औरत अपने कुछ बच्चों, नौकरों और कुत्तों के साथ अचानक से पहुंच गई। इन्होंने बताया कि अवध के अर्सवाइल नवाब वाजिद अली शाह की वंशज हैं और इनका नाम है बेगम विलायत महल। एक सेकंड, यहाँ सबसे पहले तो डिस्कस कर लेते हैं कि क्या बढ़िया नाम है बहनचोद, बेगम विलायत महल। ये होते हैं ना एक आजकल हमारे नाम होते हैं सायरा, कायरा, फायरा, आयरा। Anyway, she claimed that she was a direct descendant of Wajid Ali Shah, a ruler known for his grandeur of Awadh, his love for food, and most popularly, his nip slip. खैर, sometimes in the 1970s, Begum Vilayat Mahal दिल्ली के रेलवे स्टेशन पहुंची और डायरेक्ट गई VIP वेटिंग रूम में। बेसिकली जैसे आजकल एयरपोर्ट पे लाउंज होता है जहां आपने अपना क्रेडिट कार्ड दिखा के तुमने मुफ्त का खाना खाने पहुंच जाते हो, सिमिलरली ये पहुंच गई न्यू दिल्ली स्टेशन के VIP लाउंज में। उन्होंने वहां पे अपने कारपेट्स, अपने कपड़े, अपने कुत्ते, अपने बच्चे, अपने सामान सबको अनपैक करके उसको अपना घर बना लिया। लोग प्लॉट के कब्जे लेते हैं, मकानों के कब्जे लेते हैं, बेगम साहिबा ने तो वेटिंग लाउंज का ही कब्जा ले लिया। बब्बू मान साहब वुड बी सो प्राउड ऑफ हर। So basically she unpacked her stuff, her servants, her family in the VIP room of the station and turned it into their home. उनकी एक ही डिमांड थी कि अंग्रेजों ने और उनके बाद भारतीय सरकार ने जो नवाब ऑफ अवध की प्रॉपर्टी जब्त करी हैं वो उनको वापस कर दी जाए। नवाब साहब फुल ठाट ऐशो आराम से रहा करते थे, उनको लगता था अंग्रेज उनके दोस्त हैं, वेरेस अंग्रेजों को लगता था कि खैर उनसे उनकी रियासत, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी सेटिंग सब की सब छीन ली गई और नवाब साहब उदास होकर कलकत्ता रवाना हो गए। यहाँ बढ़िया बढ़िया बिरयानी कबाब खाया करते थे, वहाँ लाला छंगानी कचौड़ी खानी पड़ रही होगी गाली खा खा के सैड। खैर उसके बाद लखनऊ में मातम सा छा गया। जो ग्रैंडियर लखनऊ का उस समय हुआ करता था वो कभी रिस्टोर नहीं हो पाया। नवाब ऑफ अवध लिव्ड इन कैलकटा ऑल थ्रू द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ और उनके सक्सेसेस वर स्कैटर्ड बिटवीन लखनऊ एंड कैलकटा। खैर उसके कई साल बाद अब उनकी सो कॉल्ड डिसेंडेंट आगे कह रही हैं कि हमारी प्रॉपर्टीज हमको वापस करो। कहने को तो दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे थी पर वहां रहती अपने पूरी ठाट बाट से थी। बच्चों को बाहर वालों से मिलने की इजाज़त नहीं थी, बाहर वालों से कुछ सामान लेने की इजाज़त नहीं थी। इनफैक्ट उनके खादिम, उनके सर्वेंट्स जो थे वो भी उनको एज अ रानी ही ट्रीट करते थे और बहुत से अकाउंट्स तो यही तक कहते हैं कि उनके कुछ नेपाली सर्वेंट्स थे जो उनके सामने सिर्फ घुटनों पर चला करते थे। कुछ लोगों को इनिशियली उनकी क्लेम पर शक भी था, फिर उनके रहन सहन, उनके ठाट, उनके हाल चाल, उनके स्वभाव देख के लोगों को लगने लगा भाई ये तो सच की कोई रानी होगी। क्योंकि गाइस क्या है ना कि हमारे समाज में अमीर होना जरूरी नहीं है, अमीर दिखना ज्यादा जरूरी होता है। एक्चुअली इट्स ट्रू। बहरहाल उस वक्त हिंदुस्तान में मीडिया ज्यादा एक्टिव हो ना हो, लोगों का जमीर बहुत एक्टिव हुआ करता था। देश पार्टीशन से झुलस चुका था, अंग्रेजों के अत्याचार उनकी नाइंसाफी लोगों को खटकती थी और ऐसे में बेगम विलायत महल की कहानी जनता को पसंद आने लगी। जनता को विलायत महल दिखती थी एक ऐसी फाइस्टी औरत जो सदियों से हुए नाइंसाफी के खिलाफ खड़ी हुई थी। आजकल तो आप लोग उन्हें कैरन बोल देते हैं लेकिन उस समय हिंदुस्तान की जनता का काफी मन आ चुका था बेगम विलायत महल के साथ। और मैं तो सोचता हूँ भाई साहब उस समय अगर व्लॉगिंग वगैरह चल रही होती तो बेगम विलायत महल का व्लॉगिंग चैनल कितना मशहूर हो जाता।
हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम खाएंगे केले। मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब, उनको उनके प्रॉपर्टी वापस मिलती ना मिलती, बिग बॉस से बुलावा मिल जाता। खैर, लखनऊ की बहुत सी फैमिलीज उनको उनके अर्सवाइल नवाब की, उनके समय के अच्छे शासन की याद दिलाती थी। नेचुरली बेगम विलायत महल के साथ खासकर लखनऊ की शिया पॉपुलेशन की बहुत ज़्यादा सिंपथीज जुड़ गई। दे बॉट अ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड ऑल्सो लॉट ऑफ सिंपथी टुवर्ड्स बेगम विलायत महल। कहते हैं इसी के चलते यूपी की गवर्नमेंट ने एक इंसान को वहाँ भेजा जिसने उनको लखनऊ में 4 BHK फ्लैट और 10,000 रुपए उस समय ऑफर करे और बेगम महल ने ठुकरा दी। उस समय 10,000 रुपए कितनी वैल्यू रखती होगी यार, और 4 BHK मिल रहा है भाई लखनऊ में। आंटी ने ठुकरा दिए, मैं होता 4 BHK ले भाई, मैं बीवी बच्चे ठुकरा दूं अपने। उसके बाद उन्होंने कई बार फोर्सफुली इविक्ट करने की भी कोशिश करी, और जब भी ये कोशिश होती थी कहते हैं कि वो जहर खाने की धमकी दे देती थी और जनता कहती थी छोड़ो भाई झमेले में कौन पड़े। ऑलमोस्ट 9 साल तक बेगम विलायत महल और उनके 2 बच्चे अपने कुत्तों के साथ उसी हालत में उस स्टेशन के VIP वेटिंग रूम में रहे। और एंड में लोग कहते हैं कि इनसे तंग आकर सरकार ने इनको मालजा महल अलॉट कर दिया था, जहां पर ये 9 साल स्टेशन में रहने के बाद अब एक खंडर में शिफ्ट होने जा रहे थे। चारों तरफ जंगल, जहाँ ना बिजली है, ना पानी है, ना कोई और सुविधा है। एक ऐसा महल है जिसके अंदर कबूतर और जानवर रहते हैं। उस महल के अंदर नवाब साहब के वंशज को शिफ्ट कर दिया गया। बहुत से सवाल इस समय दिमाग में आ रहे होंगे, ये बेगम विलायत महल अब तक कहाँ थी और सडनली यहाँ कैसे आ गई? इन्होंने एक ही जिद के साथ रेलवे स्टेशन पर 9 साल कैसे गुजार दिए? 9 साल। और चलो गुजारे तो गुजारे, अगर 9 साल गुजारे भी एक ही जिद के साथ, तो उस जिद के एंड में मालचा महल जैसी प्रॉपर्टी को क्यों एक्सेप्ट कर लिया? और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि क्या ये एक्चुअली नवाब वाजिद अली शाह के वंशज थे और इनका क्लेम कितना एक्यूरेट था? बेगम विलायत महल, उनकी बेटी प्रिंसेस सकीना और उनका बेटा प्रिंस अली रजा उर्फ प्रिंस साइरस, तीनों ने मालचा महल को अपना घर बना लिया और बाहर वालों से दूर रहने लगे। ऐसी दुनिया से दूर जाके रहते थे भाई साहब, वहाँ ना बिजली आती थी ना ब्लिंकिट। वो वहाँ कैसे रहते थे, कैसे अपना खाना पीना मैनेज करते थे, कैसे बाकी की चीज़ों को मैनेज करते थे, ये बात किसी को नहीं पता, बिकॉज द फैमिली रिफ्यूज टू इंटरेक्ट विद कॉमनर्स एज दे कंसिडर्ड इट अ सिन। बट स्ट्रेंजली वो लोग मिलते भी थे अगर तो सिर्फ फॉरेन जर्नलिस्ट से और फॉरेन डिप्लोमैट से। स्ट्रेंज। और विदेशी जर्नलिस्ट के लिए एक बहुत ही बढ़िया कहानी थी, पोएटिक एंड ट्रेजिक, ऑफ किंग्स एंड क्वींस, रियल इंडिया। इंडिया, पुअर पीपल, हंग्री पीपल। उनकी हॉन्टिंग फोटोज अखबार में छपती रहती थी और उससे उनकी कहानी और भी रोचक बनती जाती थी। शायद एक रीज़न इनके फॉरेन डिप्लोमैट्स और जर्नलिस्ट से मिलने का ये भी था कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय सरकार पर प्रेशर बनाया जा सके इनको दोबारा रिलोकेट करने के लिए। अब इनकी असलियत, इनका क्लेम कितना सही था ये कोई जानता तो नहीं था, लेकिन जानना सब चाहते थे। फिर एक दिन खबर आई कि अपने ऊपर तरस खाकर बेगम विलायत महल ने अपने कुछ बचे हुए डायमंड्स को क्रश करके जहर के साथ निगल लिया। बेगम विलायत महल का देहांत हो गया, कुछ कुछ नौकर मर गए, कुछ छोड़ के चले गए, और अंत में बचे प्रिंसेस सकीना और प्रिंस अली रजा, जो वहाँ पर अपने कुत्तों के साथ अकेले रह गए। यू नो, दिल्ली रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, लेकिन मालचा महल वहीं अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। वो खंडर इस देश से अलग अपनी एक अलग दुनिया बसा चुका था, जिसके बारे में किससे तो सबको पता थे लेकिन सच किसी को नहीं। फिर ऐसे ही एक दिन सन 2016 में न्यूयॉर्क टाइम्स के एक जर्नलिस्ट एलन बेरी के पास ये खबर आती है कि प्रिंस रजा आपसे मिलने को तैयार है। एलन बेरी बहुत से विदेशी जर्नलिस्ट की तरह इनसे मिलने को उतावली थी और कई बार इनको लेटर लिख चुकी थी इनसे मिलने के लिए। स्ट्रेंजली इनके ऑफिस में कॉल आया और उनको बोला गया कि 11 से 12 बजे के बीच में ही आपको कॉल करना है। जब इन्होंने कॉल करा तो किसी ने बोला कि अली रजा आपसे मिलने को राजी हो चुके हैं और आपको मालचा महल आना है, लेकिन अकेले। इसकी माँ का अगर कोई खंडर में रहने वाला 20-25 साल का लौंडा मुझे फ़ोन करके बोले कि आपको अकेले मिलने आना है, मैं मरते मरते हूँ घंटा ना जाऊँ अकेले। मेरी तो फटती है भाई, मैं साफ बोलता हूँ मेरी फटती है। लेकिन अपेरेंटली एलन बेरी की हालत नहीं थी। एलन बेरी अपने ड्राइवर को वहाँ लेकर तो गई, लेकिन ड्राइवर को एक डिस्टेंस पे रोका और वहाँ से पैदल अली रजा के साथ मालचा महल के अंदर तक गई। जब एलन वहाँ गई, शी सॉ वेल स्पोकन वेल बिल्ट मैन जिसने उनका स्वागत किया, उनको बिठाया, सकीना की डायरी पढ़वाई और ये भी बताया कि कैसे सकीना इस समय कहीं गई हुई हैं। हर फर्स्ट इंटरेक्शन विद प्रिंस अली रजा बहुत मिस्टीरियस, बट दे हैड अ लॉट ऑफ चैट्स। कई सिलसिलों के बारे में एलन ने उनसे बात करी, उनसे मिली, लेकिन वापस आकर कुछ रिपोर्ट नहीं करा। प्रिंस रजा ने ये भी बताया कि सकीना इस समय जो उनके साथ रहा करती थी, अब वो यहाँ से कहीं चली गई हैं, कुछ दिनों में वापस आएंगी तो तब उनसे भी मुलाकात हो सकती है। और वहाँ वो प्रिंसेस सकीना की बहुत ही इनोसेंट डायरीज भी एलन बैरी
लेने पड़ी। फिर एक दिन एलन के पास एकदम से फोन आता है। दूसरी तरफ से प्रिंस साइरस जो चिल्ला चिल्ला के फूट फूट के रो रहे थे और उन्होंने एलन के सामने कन्फेस करा कि एक्चुअली उनकी बहन सकीना कहीं गई नहीं है बल्कि वो मर चुकी हैं और साइरस ने अकेले खुद उनको दफन करा मालचा महल के पास। अब इस मालचा महल में एक नहीं दो मौतें हो चुकी थी और सडनली ये मालचा महल और भी ज़्यादा खौफनाक लगने लगा था। इसके अंदर कहने को तो एक नवाबजादी और एक बेगम दफन थी लेकिन और क्या क्या इसके बेली के अंदर दफन था ये किसी को नहीं पता था। बहरहाल एलन साइरस से मिलती रही, पूछती रही उनके बारे में और साइरस बहुत ही शालीनता से उनके सवालों के जवाब देते रहे सिवाय उन सवालों के जो एलन ने उनके इतिहास के बारे में उनके ओरिजिन के बारे में पूछे। एंड अली रजा टिल देन वॉज नॉट कम्फर्टेबल फॉर ऑल दिस वी प्रिंटेड, इसलिए एलन ने एक भी पन्ना नहीं छापा। असल में कुछ कुछ जर्नलिस्ट होते हैं जो एथिक्स को एक्चुअली फॉलो करते हैं, मतलब मुझे भी नहीं यकीन था, मुझे भी लगता था कि एथिकल जर्नलिस्ट खाली मन का वहम होता है, असल में कुछ नहीं होता, बट एक्चुअली एलन बैरी वॉज वन सच लेडी। एलन और प्रिंस साइरस की दोस्ती हो चुकी थी, प्रिंस साइरस ने उनसे बहुत सी बातें कही लेकिन उनमें से कई सारी बातें सच थी या नहीं थी किसी को नहीं पता, वही लॉन्डो की पुरानी आदत, लड़की को इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी बोल दो। बहरहाल मिलते जुलते एलन का काम बदल गया, एलन बाहर जाने लगी और एक दिन एलन किसी विदेशी एयरपोर्ट में थी जब उनके पास कॉल आया और पता चला कि प्रिंस साइरस की भी मृत्यु हो चुकी है। जब वहाँ के आसपास के गार्ड्स ने उनको कई दिनों तक देखा नहीं था तो वो अंदर गए और उन्होंने उनको मरा हुआ उस फर्श पर पाया। इससे पहले भी वहाँ के आसपास के गार्ड्स ने उनको कई बार बहुत ही स्ट्रेंज सर्कमस्टेंसेस में देखा था लेकिन क्योंकि वो मदद मांगते नहीं थे और ये मदद फोर्स नहीं कर सकते थे तो उनकी इंटरेक्शन उतनी ही लिमिटेड रहती थी अंटिल दे फाउंड हिम एब्सोल्युटली डेड। कुछ ने कहा कि वो पागल हो चुके थे, कुछ ने कहा कि उनको डेंगू हो गया था, अलग अलग बातें बनती रही लेकिन अंत में उनके अंतिम संस्कार के लिए जब कोई नहीं आया तो उनको दिल्ली के कब्रिस्तान में अननेम्ड ग्रेव एक नंबर देके दफन कर दिया गया। एंड इमेजिन एन अननेम्ड ग्रेव इन द नेक्रोपोलिस ऑफ दिल्ली फॉर अ प्रिंस, और वाज ही एक्चुअली अ प्रिंस। इस फैमिली की मिस्ट्री इनके साथ ही दफन हो गई। ये कौन थे, कहाँ से आए थे, क्यों आए थे, इनका क्लेम एक्चुअली सही भी था और वॉज इट ऑल जस्ट अ बिग लाई, नोबडी वुड गेट टू नो। और यहाँ पे मुझे बहुत सारे स्ट्रेंज सवाल भी दिमाग में आए कि कोई ऐसा झूठ क्यों बोलेगा और इस झूठ बोलने से उनको क्या हासिल होगा। अगर झूठ बोल ही रहे थे तो उस फालतू से झूठ के लिए 9 साल तक रेलवे स्टेशन पे क्यों रुके, और अगर 9 साल तक रुके भी तो उन्होंने एक ऐसा खंडर एक्सेप्ट क्यों कर लिया जब उनको एक अच्छा घर, अच्छा पैसा, पेटरेज, हर चीज़ मिल सकती है सरकार की तरफ से। क्यों वो दुनिया से अलग, कॉमनर्स से अलग एक खंडर में रहना चाहते थे, क्यों उसे फॉरेन मीडिया, फॉरेन डिप्लोमेट से मिलना चाहते थे, व्हाट कुड बी द रीज़न। अब इन सवालों के जवाब किसी को तो ढूंढने थे और दिक्कत यह है कि हर सवाल का जवाब चैट जीपीटी पे नहीं मिलता है। इंडियन मीडिया ने उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करी नहीं। वैसे भी हमारे समाज के हिसाब से सक्सेसफुल औरत कैरेक्टरलेस होती है और एक मरा हुआ रहस्यमय आदमी भूत होता है और औरत चुड़ैल होती है। वो तो खैर बहुत से लोग तो जिंदा औरत को भी चुड़ैल बता देते हैं तो बट हे, एलन बैरी वॉज नॉट द सेम। उन्होंने इनकी तलाश में कभी लखनऊ के बुड्ढों को खड़का दिया तो कभी मालचा महल के अंदर जाकर वहाँ की चीज़ों को टटोलने लगी। कई महीने वो स्टोरी को फॉलो करती रहीं और अंत में उन्हें एक सुराग मिला और वो सुराग था कुछ मनी ट्रांसफ़र की रिसीट और एक ऐसा लेटर जिसमें ये लिखा था कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम्हें फाइनेंशियली कौन सपोर्ट करेगा। अब ये चिट्ठी कहाँ से आई होगी, लखनऊ से, दिल्ली से, कलकत्ता से, नवाब साहब किसी वंशज से, कोई क्यों इनको पैसे दे रहा था। और इस सब का हल तब निकला जब पता चला कि ये चिट्ठी कहीं दिल्ली, लखनऊ या कलकत्ता से नहीं, ये चिट्ठी आई है इंग्लैंड के शहर ब्रैडफोर्ड से। अब एलन दिल्ली और लखनऊ की खाक तो खोज ही चुकी थी और कुछ कॉन्क्रीट वहाँ से हासिल नहीं हुआ था, सो एलन पहुँच गई इंग्लैंड। वहाँ वो पता खोजते हुए पहुँची तो एक फ्रेल सा, कमज़ोर सा आदमी उनको मिला जो शक्ल से कहीं ना कहीं प्रिंस साइरस की तरह लगता था। वो मिली वहाँ पर शाहिद से, कैंसर से जूझता हुआ इंसान जो कमज़ोर ज़रूर था लेकिन साइरस से मिलता जुलता था, वो इसीलिए क्योंकि वो साइरस का बड़ा भाई था। इतना ही नहीं, इनकी फैमिली में शाहिद से भी एक बड़ा भाई था, सलाउद्दीन जाहिद भट्ट, और शुडाई से विंग कमांडर सलाउद्दीन जाहिद भट्ट, अ विंग कमांडर इन द पाकिस्तानी एयरफोर्स हु वाज अ डेकोरेटेड वॉर हीरो फॉर हिज एंटिक्स अगेंस्ट इंडिया। बूम। इस कहानी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसको जितना पढ़ो ये उतनी पेचीदा होती चली जाती है। जब आपको लगता है कि ये सुलझ रही है, ये एक्चुअली उससे ज़्यादा उलझना शुरू हो जाती है। खैर, पता चला कि सलाउद्दीन का देहांत हो चुका था, उनकी फैमिली अब यूएस में शिफ्ट हो चुकी थी और सलाउद्दीन की बीवी ने बताया कि उनकी मदर इन लॉ का क्लेम टू बी द डिसेंडेंट ऑफ द नवाब ऑफ अवध वॉज एक्चुअली अ बिग फैट फकिंग लाई। तो अब इस कहानी की एक्चुअल रियलिटी को समझने के लिए थोड़ा और रिवाइंड करना पड़ेगा। ये कहानी सेट होती है प्री पार्टीशन इंडिया में। लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक रजिस्ट्रार थे इनायतुल्लाह भट्ट,
ये उनकी बीवी थी विलायत भट्ट। ये लोग लखनऊ में सुकून की जिंदगी जी रहे थे अंटिल लॉर्ड माउंटबेटन डिसाइडेड कि अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ेंगे तो, लेकिन हिंदुस्तान को दो हिस्सों में बांट कर छोड़ेंगे, एक हिस्सा हिंदुस्तान और एक हिस्सा पाकिस्तान। उसमें अफरा तफरी का माहौल था, तमाम हिंदुस्तानी मुसलमान पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए थे। पाकिस्तान वॉज ऑफरिंग एन इल्यूजन ऑफ बिग इंसेंटिव्स, गुड जॉब्स, बेटर लाइफस्टाइल, और दूसरी तरफ इंडिया में कुछ थ्रेट्स आ रहे थे कि उनकी जान माल नुकसान को खतरा हो सकता है। ऐसे में इनायतुल्ला भट्ट भारत के कई सारे और हिंदुस्तानी मुसलमानों की तरह डिसाइड करते हैं कि वो हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान नहीं जाएंगे। पर उनको भी लगा होगा वहाँ पाकिस्तान चले जाएँ, पता नहीं 60-70 साल में कैसी टट्टी जैसी क्या क्रिकेट टीम बन जाए उनकी, जलील होना पड़े क्या फ़ायदा। Everything was going fine but apparently until one day Inayatullah Bhatt was rounded up by some goons और उनको वहाँ पर उनकी पिटाई करी गई। उस दिन Inayatullah Bhatt ने डिसाइड कर लिया कि वो अपनी और अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए लाहौर शिफ्ट हो जाएंगे, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ही डिड। वो लोग शिफ्ट तो हो गए, लेकिन विलायत महल के दिल से लखनऊ की मोहब्बत और वहाँ पर उनकी ज़िंदगी कभी निकल नहीं पाई। अब देखो, जो इंसान आधी ज़िंदगी टुंडे के कबाब और बेहतरीन बिरयानी खाता हो, उसको वहाँ जाके जीले के छोले खाने पड़ जाए कोलेस्ट्रॉल वाले, क्या मजा आएगा उसको। Mentally she was growing very resentful of what she had left behind. भाई उनके पति का देहांत हो गया और विलायत और भी ज्यादा स्ट्रेस रहने लगी। लेकिन अपने पति के मरने के बाद वो घर नहीं बैठी, उन्होंने वहाँ पर एक नया पॉलिटिकल एक्टिविज्म शुरू कर दिया, apparently for the freedom and independence of Kashmir. और कहते हैं कि इस एक्टिविज्म में एक वक्त ऐसा भी आया जहां पर उन्होंने पब्लिकली पाकिस्तान के देन प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली बोगरा को जाके कन्फ्रंट करा और उनसे झगड़ा भी करा। लिहाजा होना क्या था, अरेस्ट हो गई, उनके ऊपर मेंटल होने का इल्ज़ाम लगाया गया और उनको मेंटल हॉस्पिटल में कई ज़्यादा तरीके से इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए। समा वहाँ से निकलने के बाद इन्होंने अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस का इस्तेमाल करा, इधर उधर खबरें करी, चिट्ठी लिखी और हिंदुस्तान से एक असाइलम मांगा, ये बोल के कि उनके एक्टिविज़म की वजह से उनकी जान को ख़तरा है, उनके ऊपर अलग अलग टॉर्चर होते हैं। और बहुत ही रिजेंटमेंट के साथ हिंदुस्तानी सरकार ने उनको वीज़ा दे दिया और डिसाइड करा कि उनका केस ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि उनको यहाँ रहने देना है या उनको पाकिस्तान वापस भेजना है। वो असाइलम लेने के बाद कुछ साल कश्मीर में रहे, सबसे दूर एक अलग अंदाज में। पड़ोस पड़ोस के लोग उनकी हरकतों से उनसे डरते थे, कोई उन्हें चुड़ैल कहता था, कोई उन्हें कुछ कहता था, और यहाँ तक कहते थे कि उन बच्चों को बाहर ना निकलना पड़े, इसलिए बेगम विलायत ने उस घर की सारी दीवारें तोड़ दी थी ताकि उनके बच्चे घर के अंदर क्रिकेट खेल सके। ये बात तो मम्मी की बहुत सही लगी मुझे, धूप में खेलो ही नहीं, अंदर खेलो मस्त। खैर, उनके जो दोस्त थे, उनके जो पेट्रन थे, उस शहर में उनका देहांत हो गया और उसके फौरन बाद बेगम विलायत महल अपना घर पूरा बांध कर पहुँच गई दिल्ली और ख़ुद को घोषित कर दिया वाजिद अली शाह का वंशज। ये पूरी कहानी दिल दहला देने वाली है और पूरी कहानी खोपड़े को झंझोलने वाली भी है कि क्या कैसे ये सब हुआ और कैसे दे पुल्ड ऑफ दिस लाइफ एंड दे लिव्ड दिस लाइफ फॉर सो मेनी डेकेड्स। एलन बैरी ने पूरी कहानी एक लंबे से आर्टिकल में लिखी, जिसके बाद और भी लोगों ने सामने आकर ये बताया कि इनका क्लेम वाज अ बिग फैट लाई। हालांकि बहुत से लोगों ने उसको काउंटर भी करा, उसके ऊपर वेब सीरीज भी अनाउंस करी, लेकिन अब तक इनकी कहानी रिमेंस लार्जली अननोन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आज भी मालचा महल एक खंडर की तरह ही खड़ा हुआ है, उसमें अब ये परिवार नहीं, बस इनकी कहानियाँ रहती हैं। कोई कहता है ये महल अब हॉन्टेड है, कोई कहता है कर्स्ड है, लेकिन सच तो ये है कि एक समय में ये किसी परिवार का घर हुआ करता था। रॉयल और नॉट, दिस स्टोरी वाज वन ऑफ एक्चुअल ट्रेजेडी। वेयर डज दैट ट्रेजेडी स्टेम फ्रॉम? इट स्टेम्स फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड व्हाट ऑल पीपल हैड टू गो थ्रू आफ्टर दैट। हिंदुस्तान की पार्टीशन इतिहास में कितनी बड़ी घटना है कि नंबर ऑफ मिसप्लेस्ड लोग एंड नंबर ऑफ डेथ से कभी बयान ही नहीं हो सकती। बिकॉज द पार्टीशन एक्चुअली लेफ्ट डीप मेंटल एंड इमोशनल स्कार्स ऑन द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। जिन नस्लों ने उस वक्त को देखा, इंसानों को हैवान बनते देखा, पड़ोसियों को एनिमी बनते हुए देखा, वो शायद कभी उस चीज़ों से उभर ही नहीं पाएंगे। जिन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया, जिन्होंने अपने शहर अपने मोहल्ले छोड़ दिए, शायद वो कभी उसे उभर ही नहीं पाएंगे। बेगम विलायत महल की जो मेंटल कंडीशन थी वो शायद उसी वजह से थी। एंड दैट एक्चुअली ऑल्सो एक्सप्लेन्स हाउ डीप दिस मेंटल इलनेसेस कैन बी। हम इनको पागलपन कह के इग्नोर तो कर सकते हैं, लेकिन उसका कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है ये हम अब तक सही मायनों में समझ भी नहीं पाए हैं। इस फैमिली ने झूठ क्यों बोला, और अगर बोला भी तो इतने साल तक क्यों बोला? डिड द किड्स नो दैट दिस वॉज अ लाई, और वट द किड्स ऑल्सो बिलीविंग वट द मदर टोल्ड देम? वी विल नेवर नो। और कभी कभी मुझे लगता है ये कुछ ऐसे भी सवाल हैं जिनका जवाब अगर ना ही मिले तो बेहतर है।
ये था मेरा पहला एपिसोड ऑफ इंडियाज क्रेजी स्टोरीज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन सी ऐसा एस्पेक्ट है इस कहानी का जो आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा और इस कहानी में कहाँ पर आपको अभी भी रहस्य और मिस्ट्री दिखती है। और मुझे कमेंट में ये भी बताइए कि और कौन सी कहानी को आप मुझे इन डिटेल सुनना चाहते हैं। टिल देन सी यू, टेक केयर, टाटा, बाय बाय। सब्सक्राइब करके जाना, बहुत मारूंगा।